कर दियो जी। सब ते पहले तो आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद, हम जितने हम अपने देश के शुक्रगुजार हैं उतने हम आप मीडिया लोगों के धन्यवाद करेंगे कि आप इतने डिफिकल्ट टाइम्स में भी कि कोई भी लोग हमारा साथ नहीं देने लग रहे हैं, देश की मीडिया देश के लोग जो हैं वो हमारे समर्थन में खड़े हैं। पूरी रात आप लोग डटे रहे थे, हम सो गए थे, लेकिन कुछ लोग आप फिर भी बैठे थे, हमें कष्ट हो रहा, हमने दुखी फील होने लग रहा था कि आप लोग बैठे हो हम सो रहे हैं और आप लोग इतने अच्छे से कुछ हो हमारे न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो। तो आप लोगों की ये जो जो भावना है खिलाड़ियों के प्रति ऐसे ही बनाए रखिएगा और आपके ये खिलाड़ी आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ये तो हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आप लोगों पे भी कभी आ जाए कि आप लोग कवर कर रहे थे उन खिलाड़ियों को, देखो उन्होंने क्या कर दिया। हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए, पूरा देश हमें सहयोग और समर्थन दे रहा है और हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आज जब हम खिलाड़ी जीतेंगे तो और जो खिलाड़ी हैं आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा। और मैं चाहती हूँ एक महिला खिलाड़ी होने के नाते बहुत मुश्किल होती है गाँव से निकल के रेसलिंग जैसे गेम में जाना, ओलंपिक्स में मेडल लेके आना, हम लड़कियाँ खुले में उड़ना चाहती हैं और जो हमारे पर काटने की कोशिश करेगा या कर रहे हैं तो उसके जो अन्याय की जो लड़ाई है उसमें जो हम लड़ रहे हैं वो आप लोग जो इतना साथ दे रहे हो उसका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ऐसे ही बने रहो, आपके खाने पीने की जो भी समस्या होगी वो हम सब देखेंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहियो, आप हमारा परिवार हो अब इस अन्याय की लड़ाई में। धन्यवाद। कोई मंत्रालय से आया आपको जो इलेक्शन थे 7 मई को होने थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आईओए जो है अब वो इलेक्शन के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाएगा, 45 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और आईओए ही डे टू डे अफेयर्स चलाएगा रेसलिंग फेडरेशन के। जब तक नई बॉडी नहीं आती है तब तक देखिए मैम, अभी हम इन झूठी बातों में आने वाले नहीं है। पहले हमने गलती कर दी, एक कमेटी बनाई थी वो डे टू डे वर्किंग देखेगी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तब भी वो उनको देख रहे थे, उन्हीं के लोग देख रहे थे, WFI ऑफिस तब भी खुला रहता था, तो अभी इस झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन पे कोई फोकस नहीं है, हमको यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है कि इलेक्शन में जाके हमें कुछ बनना है। हमें हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए, ये हमारी लड़ाई है। और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे और हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की है, कल सुनवाई की मांग की जाएगी, उसको लेके क्या है? देखिए 3 दिन हो गए हैं FIR नहीं हुई हमारी, FIR नहीं हुई है तो और किस, आप लोग मीडिया के सामने आए हैं, देश के सामने आए हैं, हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है तो उच्च न्यायालय हम गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा। और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेयर तरीके से होने चाहिए। जो हमारे जो कंट्री में इतने लो बने हुए हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या हमारे लिए एक भी लो काम नहीं करेगा? वही सवाल है कि ये जो ब्रजभूषण सिंह है ये भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं और जो मौजूदा सरकार है वो भी भाजपा की है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की भी चुप्पी है और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कोई बयान दिया नहीं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले जनवरी में आप आए थे, आपको एक कमेटी का झांसा दिया था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हालांकि ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट जगह जगह होते हैं, जिला तौर पर आप एक खिलाड़ी मालूम है, लेकिन आप जैसे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है उन खिलाड़ियों को यहाँ पर आके रातें गुजारनी पड़ती है, तो सरकार आपकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आपका क्या कहना है? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। ये शायद मुझे लगता है कि आप सरकार से सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो सरकार से ही सवाल है, आपके थ्रू ये सरकार से सवाल है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है, तो ये आप उनसे पूछिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। आप खिलाड़ियों को जब मेडल जीतते हैं तो आप खूब प्यार और मान सम्मान देते हैं, अब खिलाड़ी जब रोड पे बैठे हैं अपने न्याय के लिए बैठे हैं तो उस टाइम पे आप चुप क्यों हैं? तो और रही बात कमेटी की, कमेटी ने जो चीज़ें कमेटी में हुई हैं वो सभी को आर्टिकल आए थे, हमने भी आर्टिकल के माध्यम से पता चला और कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया ना कोई बर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, या हम जिस दिन ब्रजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था, खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा,
और उसके जब ब्रजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था, तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमज़ोर आदमियों के लिए हैं। मेरा सीधा सवाल है कि वो बीजेपी के सांसद है तो बीजेपी की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार से तो कोई बयान नहीं आ रहा, जबकि देश के खिलाड़ी यहाँ पर आके रातें गुजार रहे, तो कोई सरकार का प्रतिनिधि आएगा आपके साथ? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है खिलाड़ियों के लिए। हम ना कोई बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, ना हम हरियाणा से हैं, ना हम पंजाब से हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं, और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है, उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में, और आप लोग जो साथ में हो तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जितने हमारे एक रेसलिंग के नहीं, जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो, उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे, उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है ये। और जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो महिंद्रा संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, खाप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की जो ये लड़ाई है इनमें सब आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि अगर आप हम नहीं जीत पाए तो ये जो आप पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे। लिखा है कि तीन चीज़ें लिखी हैं कि एक उस रिपोर्ट से जो पता चला है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो थी वो ढंग से नहीं बनी हुई थी, जो 2013 में एक होनी चाहिए थी एक्ट के अनुसार। दूसरा ये लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन की ज़रूरत है बिटवीन द फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स पर्सन। और तीसरा लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी थी, ये OC की रिपोर्ट से पता चला है। जो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे, और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए, तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहाँ जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी, वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट दो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फ़ोन कॉल से मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें रिपोर्ट में दीजिए क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुँचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फ़ोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंस दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की गई? अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते कि जनता के सामने बताओ भाई कि उनकी खुद की बेटी, जैसे हम सब की बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है, क्योंकि ये नहीं कि